गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ कोमल। आप है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी गार्डनिंग विद कोमल्स पैशन पर। आज बात करेंगे पिटूनिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप सभी को मालूम होगा नॉर्मली कि ये एक विंटर फ्लावर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, जिन लोगों ने, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि इस बार आप अपने अपने गार्डन में इसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्लांट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं और काफ़ी लेगी टाइप के होते हैं, लेकिन इनके फ्लावर्स काफ़ी बड़े होते हैं और जब ये फुल ब्लूम पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी मैं इसको जल्दी में लेकर आई हूँ, इसकी 3 से 4 वेराइटियाँ मैं लेकर आई हूँ, कुछ पौध भी लेकर मैं आई हूँ। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स निकले थे, एक्सपेंड हो गए, पर अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो फ्रेंड जानेंगे कि इसके कैसे कलर्स आते हैं, कैसी वेराइटियाँ आती हैं। तो इसके काफ़ी सारी वेराइटियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी मार्केट में। काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, वेरीगेटेड, अनवेरीगेटेड और सिंपल कलर के, वाइट, रेड, ऑरेंज, काफ़ी सारी वेराइटियाँ आती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अब डबल पेटल्स वाले भी फ्लावर्स आने लगे हैं, लेकिन वो मुझको ज़्यादा प्यारे नहीं लगे, मुझको तो यही अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको ही लेकर आई। और इससे हमें कैसे पानी देना चाहिए, कैसे खाद देनी चाहिए और हमको उसको कैसे करके रखना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो, तो यही सब बात आज हम जानेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है। जब भी आपने पिटूनिया के प्लांट्स को किसी पॉट में लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वो ज़्यादा गहरा भले ही ना हो, लेकिन फैलाव में ज़्यादा हो। आप देख रहे हैं, मैं स्टोक बस ये बकेट टाइप की है, थोड़ी सी फैली हुई बास्केट टाइप की है, उसमें मैंने लगाया। और जितने बड़े आप फैले हुए प्लांट गमले में से लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतनी फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम इसके पिंचिंग कर देनी चाहिए, जो भी इसके फ्लावर्स निकलें और खिल के ख़त्म हो जाएं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लेकिन मैंने अब देखे हैं तो मैं इनको हटा दूंगी, तो और ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होगी इसमें। और इसको आपको खाद नॉर्मल देनी है, डीएपी, एनपीके वगैरह सब आप इस हर प्रकार की खाद दे सकते हैं, लेकिन जो भी खाद दीजिए लिक्विड फॉर्म में आप इसको देनी है। अगर आप डीएपी, एनपीके, फास्फोरस वगैरह जो भी देनी है तो आप एक रात पहले पानी भिगो के रख दीजिए तो आप वो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सूखी चाय की पत्ती, एक शेल्स वाली भी खाद दे सकते हैं। और इसको पानी कैसा देना है, तो फ्रेंड्स, इसको पानी आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पानी ना दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम थोड़ी मोटी टाइप की होती हैं, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी स्टोर होता है। तो आप इसको एक दिन में या एक दिन छोड़ के, जैसा भी आपके मौसम है उस हिसाब से आप इसको पानी दे सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप इसको एक दिन छोड़ के पानी दीजिएगा, और अगर अभी भी आपके थोड़ी सी गर्मी है और मिट्टी रोज़ सूख जाती है तो आप इसको रोज़ सुबह 10 बजे तक पानी दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसके अलावा भी मैं जल्दी से कोशिश करूंगी कि सारे फ्लावर्स प्लांट जो भी जाड़ों में आते हैं, विंटर फ्लावर प्लांट, सबकी आपको प्रॉब्लम सॉल्व आपकी कर दूं, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ में हाजिर होंगे फिर से एक बार। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।